एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हूँ ग्रीन टी फेशियल, जो कि ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन या फिर एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। बहुत ही अच्छा फेशियल है और इसका कमाल का रिजल्ट आया। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी क्लियर और ग्लोई लग रही है, कोई एडिट नहीं किया है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है क्लेंजिंग। आपको पानी बॉईल करना है और उसको एक ग्लास में डाल लें और फिर आपको उसमें एक ग्रीन टी बैग डालना है ताकि हमारा जो पानी है वो पूरा सोख कर ले ग्रीन को। और उसके बाद आपको मुल्तानी मिट्टी 1 स्पून लेना है और जो पानी सोख किया हुआ था ग्रीन टी उसको 2 स्पून आपको डालना है मुल्तानी मिट्टी में, मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपको पूरे फेस पे और नेक पे अच्छी तरीके से मसाज करके क्लीन करना है। मुल्तानी मिट्टी आपके एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा, इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करेगा, डॉट को हटाएगा और आपके डीपली क्लीन करेगा आपके स्किन को। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए और ख़ास तौर पर ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। आपके पिंपल्स एक्ने भी ख़त्म हो जाते हैं, स्पॉट्स भी आपके चले जाते हैं। आपको महीने में एक बार ये फेशियल तो ज़रूर करना है। आपको 1 मिनट तक इसको मसाज करते रहना है अपने नेक और फेस पे। मसाज करने के बाद आपको इसको नॉर्मल वाटर से सिर्फ वॉश कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट तक आपको इसको करते रहना है। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए आपको इस तरह के ग्रीन टी बैग की 2 ज़रूरत होगी। आपको इसको निकाल के एक बाउल में रख लेना है और उसके बाद इसमें आपको हनी ऐड कर लेना है ताकि मॉइस्चराइज बनी रहे आपके स्किन पे। तो इजी होगा आपको मसाज करने में। आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं अगर आपको पार्टिकल ज़्यादा लग रहे हैं। और जेंटल हाथों से सिर्फ आपको 1-2 मिनट ही इसको स्क्रबिंग करना है जहाँ आपके व्हाइट हिट ब्लैक हिट है। आपको ज़्यादा घिसना नहीं है, इसको बहुत लाइट हैंड से आपको करना है। अगर आपको पार्टिकल्स को ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं तो फिर आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। पार्टिकल्स छोटे हो जाएंगे तो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा और व्हाइट हिट ब्लैक हिट ये रिमूव करेगा। तो स्टेप 3 में हमारा है मसाज क्रीम। मसाजिंग क्रीम के लिए आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल। आपको 1-2 ड्रॉप डालना है या फिर आपको कोई भी ऑयल सूट करता है वो भी डाल सकते हैं। और आपको ग्रीन टी को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेना है और उसके बाद उसको एलोवेरा जेल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपको पाउडर नहीं है तो आप ग्रीन टी बैग से ग्रीन टी निकाल के उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप हनी मिक्स कर लेना है। आपकी स्किन में मॉइस्चराइज होगी, हाइड्रेटेड होगी और आपकी जब मसाज करेंगे तो एक नेचुरल ग्लो मिलेगी जब आप इसको वॉश करेंगे। बहुत ही अच्छा ये मसाजिंग क्रीम जो है वर्क किया है। आप कोकोनट ऑयल की जगह अगर और कोई ऑयल आपको सूट करता है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, एलमंड ऑयल भी आप डाल सकते हैं। मुझे कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा सूट करता है, स्किन जो है मॉइस्चराइज और फ्रेश हो जाती है। तो इसके साथ आप 10 मिनट तक मसाज करते रहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ही लाइट हैंड से अपवर्ड आपको मसाज करते रहना है, दबा दबा के घिसना नहीं है, ठीक है। और पाउडर फॉर्म में आपको ग्रीन टी कर लेना है, ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म कर लेना है ताकि आपको मसाजिंग करते वक्त बहुत आसानी हो जाए और आपकी जो स्किन है वो भी सुपर डुपर हाइड्रेटेड हो, ग्लोइंग हो और बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगी आपकी स्किन जब आप ये फेशियल करेंगे। तो जहाँ आपके नोज़ के एरिया व्हाइट हिट ब्लैक हिट होते हैं ना, उस तरफ भी आपको मसाज करते रहना है। ये हर चीज़ व्हाइट हिट ब्लैक हिट को रिमूव करते रहेगा एक एक स्टेप के साथ। चौथा जो स्टेप है वो फेस पैक है। फेस पैक के लिए आपको लेना है वही पाउडर ग्रीन टी, 2 स्पून आपको ले लेना है और उसमें आपको मुल्तानी मिट्टी 1 स्पून डालना है और उसमें आपको नीम पाउडर 1 स्पून डालना है। ये जो फेस पैक है ना आपके स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होगा जिनकी ऑयली और एक्नी प्रोन है। और उसके बाद जो हमने ग्रीन टी रखा हुआ था ग्लास पे, वही ग्रीन टी आपको डालना है पानी उसका, उसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप अपने पूरे फेस पे इसको लगा लीजिए। इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपका एक्सेस ऑयल फेस से रिमूव करेगा, डर्ट इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा, नीम आपके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है तो वो आपके कील मुहासों के जो जर्म होते हैं उनको मारेगा, कम करेगा, आपके पिंपल्स को ये ड्राई भी कर देगा। और ग्रीन टी में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है तो आपके पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके स्पॉट्स और पिगमेंटेशन है या पिंपल के मार्क हैं तो आपको ये कम करेगा। सेमी ड्राई होने तक आपको इसको रखना है और उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रिजल्ट
प्रोडक्ट आया है, बहुत ही मतलब स्किन जो है फ्रेश लग रही थी। मार्केट से फेशियल तो ये वाला ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद आपको लास्ट स्टेप है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको लगाना है। जो भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको सूट करता है गाइज, आपको वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेना है अच्छी तरीके से, ताकि आपका फेशियल जो है वो लॉक हो जाए। और एक दिन के बाद ना आपको दिखेगा कि ग्लो जो है वो कितना दिख रहा होगा आपकी स्किन, पिंपल्स टाइनी बम्स भी कम हो जाएंगे। अगर आपके टाइनी बम्स छोटे छोटे निकलते रहते हैं तो ये वाला फेशियल करेंगे ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके स्किन के लिए और बहुत ज़्यादा ग्लोई आपकी स्किन दिखेगी। आपको महीने में सिर्फ एक बार भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हफ्ते में भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो आज की अगर आप अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।